नमस्कार, आइए आइए प्लीज। आइए ना। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू चाचा जी। बड़ा हैवी है क्या इसमें? डिनर सेट। नई गृहस्थी जो बसा रहे हो इसलिए। इसकी क्या जरूरत थी चाचा जी? हाँ चाचा जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरा फर्ज था। अरे फर्ज क्या, तेल लेने में बोल रहा हूँ। जरूरत क्या थी इसकी? पहले 6 लोगों ने डिनर सेट दिया हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसको देखो डिनर सेट दे रहा है यार। सब हमारे घर में डिनर करेंगे क्या? देख 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 दे वापस, देख दे वापस, और मेरे वो आशीर्वाद भी वापस दे। सबने तो सेम आशीर्वाद दिए होंगे ना, है? मेरी क्या गलती है? मुझे भी किसी और ने दिया था। मतलब आपको किसी ने चिपकाया, आप आगे मेरे को चिपका रहे हैं। गिफ्ट तो मैं देख ही रहा हूं। फोन है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं दूंगा। एक सेकंड दो तो सही, एक सेकंड। ये लीजिए लिफाफा, और इसमें डाल के अब आशीर्वाद दीजिए। ये लो, ये लो। पूरा डालो जितने का बिका है। डिनर सेट। हाँ शुक्रिया। ये लो और आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद रहने दीजिए। हर साल ना जाने कितने लोगों की शादी होती है और कितने अनवांटेड गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं। अनवांटेड गिफ्ट्स को OLX पे बेचिए, बिना गिफ्ट देने वाले की फीलिंग सेट किए हुए। दूल्हा दुल्हन के हित में जारी। 40,000 की खरीदी थी मैंने। अब क्या इसके पैसे वसूलने के लिए क्या 20-25 और शादियां करूं मैं? पैसे कहां से आए? मेरा वो पुराना वॉकर था ना जिसको मैं यूज नहीं करता था। प्लीज नो मोर। ये क्या खा रहा है? पिज्जा। कहां से आया? लाइब्रेरी से। तेरे सवाल पूछ ले मम्मी। रेस्टोरेंट से मंगवाया। पैसे कहां से आए? डॉक्टर कहते खाते वक्त बात नहीं करते। जवाब दो, पैसे कहां से आए? मेरा वो पुराना वॉकर था ना जिसको मैं यूज नहीं करता था। प्लीज नो मोर। बिक गया। बिक गया मतलब? और ये नए जूते कहां से आए? गुड ना, जैकेट भी देखो मम्मी। ये सब कहां से आया? मेरे वो लाइटिंग वाले जूते थे ना, टिम टिम करते थे, दैट वाज टू किडिश। शर्मा जी ले गए उसको। और एक मेरा पालना था लकड़ी वाला पुराना, अब मैं तो पल गया, अब उसमें घनश्याम जी का पोता पल रहा है। घनश्याम जी, गुप्ता जी, हाय रब्बा, ये सब क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात सुना, ये सब तूने अकेले किया? पिद्दी सा तो है तू। आइडिया मेरा है, लेकिन किया सब कुछ मामा ने। मामा ने? मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? अपने पापा काफी पुराने हो गए, आप कहो तो। अच्छा। कभी हर साल ना जाने कितने बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी चीजें उनके लिए यूजलेस, उन्हें OLX पे बेच डालिए। माता पिता के हित में जारी। पहले 6 लोगों ने डिनर सेट दिया हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसको देखो डिनर सेट दे रहा है यार। सब हमारे घर में डिनर करेंगे क्या? 40,000 की खरीदी थी मैंने। अब क्या इसके पैसे वसूलने के लिए क्या 20-25 और शादियां करूं मैं? नथनिया हालत बड़ा मजा आवे नथनिया। भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चाय ज्यादा अच्छी है या आपकी बीवी ज्यादा खराब? मतलब सीधे मंडप से भागे आ रहे हैं क्या? चाय का मंडप? 3 साल हो गए मेरी शादी को। फिर ये शेरवानी, ये गमछा। 40,000 की खरीदी थी मैंने। अब क्या इसके पैसे वसूलने के लिए क्या 20-25 और शादियां करूं मैं? तू अपनी कड़छी घुमा चुपचाप। दूल्हे के हाथ में दूध का गिलास बने थे, कटिंग चाय पहली बार देख रहे हैं। भाई साहब इसे बेच क्यों नहीं देते? किसी और दूल्हे के काम आ जाएगी। आइडिया तो बड़ा कमाल का दिया यार, ये मेरे दिमाग में भी आया नहीं। लो मूवी ढक लो। हर साल ना जाने कितने लोगों की शादी होती है और ना जाने कितनी शेरवानी हमेशा हमेशा के लिए अलमारी में बंद हो जाती हैं। उन्हें OLX पे बेचिए, दूल्हा दुल्हन के हित में जारी। पहले 6 लोगों ने डिनर सेट दिया हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसको देखो डिनर सेट दे रहा है यार। सब हमारे घर में डिनर करेंगे क्या? पैसे कहां से आए? मेरा वो पुराना वॉकर था ना जिसको मैं यूज नहीं करता था। प्लीज नो मोर। हाय कमाल है, पैसे बचाने की बात की तो कोच की आवाज भी आने लगी। How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you. 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बनके क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा नीचे लगा दिया। Couple, I have a question for you. Yeah, why not? Who
आईज नहीं होता, आई एम, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट माय आई इज ऑन यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू नो आई वाज वेटिंग फॉर योर लॉन्ग बिकॉज वी बोथ लव इंग्लिश, माय इंग्लिश इज एक्चुअली बेटर देन योर्स, मतलब बेटर कैसे, इट्स करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश क्या होती है मतलब, आई टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं व्हाई नॉट, ठीक है, सो इफ यू वांट टू कॉल मी नेक्स्ट टू यू हाउ विल यू कॉल मी, कम हियर, नॉट दैट, जोरदार तालियां, कम हियर, if you're standing here and you want me to stand over there then what would you tell, come here, mera dimag thodi kharab hai, itni khoobsurat ladki kahunga go there, mere ko paagal ko tumne kaata hai, वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं, रेस टू, मर्डर टू, हाउसफुल टू, आई लव यू टू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल, मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी, एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा, तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ, मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो, इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी, तुम घर बैठकर और टीवी पे देखो, अच्छा लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी, अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा, यहाँ पे दिन होता वहाँ पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग, क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो, मिसमैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो, ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना, लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं, मेरा मुझे लगता है काम बना, there are too many superstitious, like if kali bili rasta kat jaye to army kaam pe nahi jata, if in australia if black cat cut your road do you put brake, nahi cut your road, ha to kya hua, cut your rasta, cut your rasta, your journey, journey, yeah, journey, it's true, yeah, we also have superstition in australia, australia, if a black cat crosses the road, any color cat, is it a bad omen, yes, oh, yeah. Oh, it means Australian cats are also vamp, see, if you have a you have a billy run in front, billy oh not a kutta, okay, not a kutta, you have billy kutta are enemies, you have a billy run in front of you, yeah, you have to pull over and do 10 push-ups. 10 push-ups. Yeah. I just made that up, but 10 push-ups and then you can go. And then you can go again. You've been cleansed again. Brett, you were always a cricketer. Then why did you swing into acting?